Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, how are you? Well, now, friends, he has gone, या he is gone, दोनों में से सही कौन सा है? दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन क्या दोनों में से कोई गलत है? तो friends, हम आज यही जानेंगे, so let's start the class of the day. फ्रेंड्स, कई लोग वह गया है या वह चला गया है उसको ही इज गोन भी बोलते हैं और कई लोग ही हैज गोन भी बोलते हैं. तो दरअसल मैटर क्या है, मीन्स क्या बात है जो ही इज गोन और ही हैज गोन बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क है, क्यों हम ही इज गोन बोलते हैं और क्यों हम ही हैज गोन बोलते हैं, क्या दोनों में फर्क है? तो यही हम आज जानेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, he has gone and he is gone, दोनों का मतलब होता है वह गया है या वह चला गया है. ठीक है फ्रेंड्स, बट कुछ लोग ये समझते हैं कि इन दोनों में फर्क होता है, मतलब ये इसलिए बोलते हैं जब पूरी तरह से काम हो गया, एकदम पक्का हो गया हो कि वह चला गया है, जैसे वह मुंबई गया है, ही इज़ गोन टू मुंबई, यानी कि वो मुंबई पहुंच गया है, मुंबई में है, तो हम ही इज़ गोन बोलेंगे. और जब ही हैज़ गोन बोलते हैं तो वो मुंबई के लिए, मतलब यहाँ से निकल चुका है, वो मुंबई गया है, लेकिन मुंबई पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, रास्ते में है कि क्या है, ऐसा लोग समझते हैं. बट मेरे ख्याल से, जहाँ तक कि मैंने अभी तक स्टडी किया है, तो मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा मतलब हो सकता है इसका. इसका सही मतलब क्या है कि दरअसल ही हैज गोन का बिगड़ा हुआ रूप ही इज गोन है. ओके फ्रेंड्स, मैं इसको अभी साबित करके आपको बताता हूं. जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में ही हैज गोन को ही इज गोन बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ही इज गोन मीन्स अगर हम इसको बोलेंगे, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो ही इज गोन बोलेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ही इज गोन बोलने में ही इज गोन जैसा लगता है. इसके लिए हम धीरे 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 धीरे, जैसे हम लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बदलाव आते रहते हैं और लोग जिस तरह से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं फिर वही चलन में चल पड़ता है और फिर सारे के सारे लोग वही लिखने भी लगते हैं और इस्तेमाल भी करने लगते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, बट सच्चाई ये है कि ही इज गोन ऐसा है, ऐसा नहीं होता है, बट लोग ये समझ गए और ऐसा लिखने लग गए और फिर बोलचाल में यही चल पड़ा और बोलते हैं ही इज गोन, वो जा चुका है, ही हैज गोन. बट ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग, ये सही है, ही हैज गोन. ओके फ्रेंड्स, जैसे ही इज डेड या ही हैज डेड, वह मर गया है, वह मर चुका है, तो ही इज डेड और ही हैज डेड. एक्चुअली में ही इज गोन जैसा हमने बोला, इसी तरह से हम इसका भी ही इज डेड भी बोल सकते हैं. मीन्स ही हैज गोन, ही इज गोन, ही हैज डेड, ही इज डेड. मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसका बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि ही हैज गोन का बिगड़ा हुआ रूप ही इज गोन होता है. तो अभी फिर से आप, अगर आप कभी भी ऐसा सुनने को आपको मिलता है तो आप यही समझ जाना कि उसका शॉर्ट फॉर्म बोला जा रहा है ही हैज़ गोन का, ही इज़ गोन नहीं बोला जाता है, ही हैज़ गोन बोला जाता है. बट धीरे धीरे कालांतर में यह चलन में चल पड़ा, लैंग्वेज बदलते बदलते बिगड़ गया और बिगड़ा हुआ रूप हम आज इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को किसी ने पैदा नहीं किया है, बोलते हैं, बदलता है, बिगड़ता है, फिर संवरता है, फिर ऐसा ही होता रहता है. और जिस तरह की भाषा लैंग्वेज चलन में चल पड़ती है वैसा ही सारे के सारे लोग इस्तेमाल करने लगते हैं और वैसा ही लिखने भी लगते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है. ये क्या है आप जानते होंगे अच्छी तरह से, दिस इज फोर या फोर है, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा लिखते हैं फोर. तो क्या ये फोर सही है या ये फोर सही है, दोनों में से कौन सा सही है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं. ये फोर सही है क्योंकि यही लिखा जाता है, बुक्स में भी यही मिलते हैं,
लिखने वाले लोग बुक्स में जो भी टाइप वगैरह किया रहता है तो यही चार लिखा रहता है, न कि ये फोर लिखा रहता है। ये फोर क्या हुआ, ये फोर का बिगड़ा हुआ रूप, पहले इधर से धीरे से छूटा, फिर छूटता गया, फिर बड़ा होता गया ये, फिर धीरे धीरे लोग ऐसा लिख देते हैं। अब यही इसका ही बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फोर है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि यही फोर होता है, फोर तो एक्चुअली में सही ये है, बट इसका बिगड़ा हुआ रूप ये है। अब इसका मतलब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि इस फोर का मतलब कुछ और होता है और इस फोर का मतलब कुछ और होता है, नहीं ना। तो वैसे ही ठीक ये भी ऐसा ही है, ही हैज गोन और ही इज गोन। ओके फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन, अगर आपको ये कन्फ्यूजन रहा होगा कि ही हैज गोन या ही इज गोन, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा अभी, और आगे जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, समझ कर इस्तेमाल करेंगे कि ही हैज गोन का शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं ही इज गोन, ना कि हम ही इज गोन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे आज के क्लास का मतलब यही था कि आपको मैं समझाना चाहता था कि ही हैज गोन और ही इज गोन का मतलब क्या होता है। हमारे ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि सर कोई कोई ही इज गोन बोलता है, तो मैंने उसको समझाया कि ही हैज गोन का शॉर्ट फॉर्म ही इज गोन होता है, न कि ही इज गोन होता है, बट यह अभी बिगड़ चुका है पूरी तरह से, और यही मतलब ही इज गोन को भी अब सही समझा जाता है, तो ही इज गोन ही बोला जाता है। जैसे कि मेरी पेन खो गई है, तो मेरी पेन खो गई है, दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, माई पेन हैज बीन लॉस्ट, दिस इज द राइट ग्रामेटिकली, बट लोग बोलते क्या है, माई पेन इज लॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, माई पेन इज लॉस्ट, यही बिगड़ते हुए बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँचा और लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और आज यही सही लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, घोड़ों को बेच दिया गया है, घोड़ों को बेच दिया गया है, तो घोड़ों को बेच दिया गया है, तो हॉर्सेज हैव बीन सोल्ड, हॉर्सेज हैव बीन सोल्ड होता है, बट हॉर्सेज आर सोल्ड भी लोग बोलते हैं, यूज होता है, लिखा भी जाता है, ये भी सही है। बट आप ये मत सोचना कि हॉर्सेज हैव बीन सोल्ड का मतलब कुछ और हो जाएगा और हॉर्सेज आर सोल्ड का मतलब कुछ और हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जिस तरह का चलन में चल पड़ता है, उस तरह से लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, और इस्तेमाल करते करते वही रूप वो सही लगने लगता है, फिर वही हम इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं। तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।